नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, धनु लग्न के अंदर चंद्रमा कैसे रिजल्ट देते हैं, तो देखिए धनु लग्न के जो स्वामी होते हैं गुरुदेव, वो और चंद्रमा आपस में मित्रता मानते हैं क्योंकि दोनों ही देव ग्रह हैं। पर चंद्रमा को जो भाव मिला है वो तृक भाव का मिला है, यानी अष्टम भाव। इस वजह से बहुत अच्छा फल तो वो इस कुंडली के अंदर नहीं देंगे, बट अगर उनका प्लेसमेंट अच्छा हुआ तो जहां जहां वो थोड़ा अच्छा फल देंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो चंद्रमा किस किस चीज के कारक है? चंद्रमा माता के कारक है, पानी के कारक है, मन के कारक है, कल्पना के कारक है, चंचलता के कारक है, मन का परिवर्तन, मन में जो परिवर्तन होता है उसके कारक है, और जो रोग होते हैं मानसिक रोग के कारक है। हर ग्रह की कोई ना कोई दृष्टि होती है, तो चंद्रदेव की सातवीं दृष्टि है। चंद्रदेव अगर यहां बैठे हैं तो यहां की दृष्टि देंगे। लगन में अगर चंद्रदेव बैठ गए कैसा रिजल्ट देंगे? जातक बहुत चंचल स्वभाव का होगा, छोटी छोटी सी चीज, थोड़ी देर में गुस्सा, थोड़ी देर में खुश, इस तरह की जातक की पर्सनैलिटी होगी। जातक की पर्सनैलिटी हालांकि बहुत अच्छी होगी, देखने में बहुत सुंदर होगा, जातक की बहुत अच्छी आंखें, स्त्री होगी तो वो भी सुंदर, यानी जातक की पर्सनैलिटी तो बहुत अच्छी होगी पर जातक के अंदर चंचलता बहुत होगी। और क्योंकि अष्टम भाव का थोड़ा सा दोष भी लगेगा, तो जातक की सेहत को लेके जातक को हमेशा परेशानी रहेगी, थोड़ा सेहत को लेके अप्स डाउन चलते रहेंगे। चंद्रमा दूसरे भाव के अंदर कैसा रिजल्ट देंगे? शत्रु राशि के अंदर तो जातक को कुटुंब से लेके लड़ाई झगड़े रहेंगे, कुटुंब को लेके दिक्कत रहेगी। चंद्रमा की दशा अंतर दशा के अंदर जातक का धन का अभाव होगा, धन को लेके दिक्कत रहेगी जातक को, कुटुंब से भी बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि वाणी जातक की मीठी होगी बट उसके बावजूद भी जातक को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पे, दीर्घायु जरूर होगा जातक, जातक की आयु अच्छी होगी। चंद्रमा तीसरे भाव के अंदर शत्रु राशि के अंदर यहां पे भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। जातक का मानसिक संतुलन ठीक नहीं होगा, डिसीजन लेने में दिक्कत, छोटे भाई बहनों से लड़ाई झगड़े, फिजूल की यात्रा बढ़ा देंगे और यात्रा से भी जातक को अच्छा फल नहीं मिलेगा। 24 साल तक जातक को संघर्ष करना पड़ेगा, छोटे भाई बहनों से लड़ाई झगड़े, और जातक को जितना मेहनत करेगा उसके बाद उसे बहुत कम रिजल्ट मिलेंगे। बहुत मेहनत करके थोड़े बहुत ही जातक को रिजल्ट प्राप्त होंगे। चौथे भाव के अंदर चंद्रमा कैसे रिजल्ट देंगे? तो यहां पर चंद्रमा अच्छे रिजल्ट देंगे। कैसे? क्योंकि यहां पर वो दिग्बली हो जाते हैं और लग्नेश के मित्र भी हैं, बट उनको आठवें भाव का दोष तो जरूर लगेगा। तो जातक को मकान का तो सुख होगा, वाहन का भी सुख होगा, पर कैसे? बहुत संघर्ष से। तब जाके जातक को मेहनत करके, संघर्ष करके, मुश्किलों से जाके, तब जातक जिंदगी के अंदर मकान, भौतिक सुख की कामना पूरी करेगा, उनकी उसको प्राप्ति होगी। चंद्रमा अपने मित्र राशि के अंदर कैसा फल देंगे? अगर यहां पर मंगल हो गए तो चंद्र मंगल राजयोग बन जाएगा त्रिकोण के अंदर। जातक को जिंदगी के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, धन, सब चीज की प्राप्ति होगी। पहली लड़के होने का योग दर्शाता है चंद्र अगर यहां पे बैठ गए। पढ़ाई में जरूर ऑब्स्टेकल आएंगे जातक को, पर पढ़ाई करके लाभ प्राप्त करने वाला भी होगा अगर यहां पर मंगल की कंडीशन अच्छी हुई तो। बड़े भाई बहनों से जातक को फायदा, पर जातक के जो बच्चे होंगे उनको लेके जातक को चिंता ग्रस्त रहेगा, मतलब चिंता जरूर लगे रहेगी जातक को। चंद्रमा छठे भाव के अंदर कैसे रिजल्ट देंगे? तो यहां पे वो ऊंच के हो गए, लग्नेश यानी गुरुदेव अगर मजबूत हुए तो फिर जातक को विपरीत राजयोग का फल मिलेगा। कैसा? तो इनिशियल स्टेज में जातक को दिक्कत होगी, कोर्ट कचहरी में भी जाना पड़ सकता है, शत्रु का भय बना रहेगा, पर जातक को कोर्ट कचहरी में फायदा और जातक को इनिशियल स्टेज में दिक्कत होगी, फिर जातक को धीरे धीरे संघर्ष करके जिंदगी के अंदर अपनी मेहनत से, पराक्रम से तमाम सुख प्राप्त करने वाला होगा। चंद्रमा सातवें भाव के अंदर कैसा रिजल्ट देंगे? अगर जातक की कुंडली है तो उनकी पत्नी, जातिका है तो उसके पति बहुत सुंदर होगा, चंचल होगी, बहुत सुंदर होगी, नसीबदार, समझदार, बहुत अच्छा। पर अगर यहां पे बुध देव की कंडीशन अच्छी नहीं हुई तो विवाहित जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि अष्टमेश का दोष लग सकता है। चंद्रदेव आठवें भाव के अंदर यहां पे कैसा फल देंगे? तो यहां पे भी अगर लग्नेश मजबूत हुए तो विपरीत राजयोग बनता है,
स्टार्टिंग में ऑब्स्टेकल का सामना होगा, यानी एक बाधा खत्म नहीं हुई, दूसरी बाधा जरूर देखने को मिलेगी, बट उसके ऊपर विजय प्राप्त करके संघर्ष से मानसिक संतुलन बना के फिर जिंदगी के अंदर जातक कमियों को दूर करके जो अपनी उसके ऊपर ओवरकम करके तमाम सुख प्राप्त करने वाला होगा। चंद्रदेव भाग्य भाव के अंदर अपनी मित्र राशि के अंदर कैसे रिजल्ट देंगे, तो जातक को बहुत ऑब्स्टेकल करके बहुत मेहनत करके तभी जातक का भाग्य उदय होगा। सूर्य की कंडीशन अच्छी होगी तो जातक को छोटे भाई बहनों से फायदा मिलेगा और चंद्र की दशा अंतर दशा के अंदर जातक को विदेश की यात्रा भी जातक की देखी गई है। चंद्रदेव अपनी शत्रु राशि के अंदर दसवें भाव के अंदर कैसे रिजल्ट देंगे, अगर यहां पे बुध भी आ गए, दसम भाव के स्वामी खुद यहां पे आके बैठ गए, तो जातक को व्यापार के क्षेत्र में बहुत अच्छा, अगर यहां पे दूध को लेके पानी को लेके या लिक्विड को लेके जातक काम करेगा तो जातक को उसमें बहुत फायदा होगा, बिजनेस की दृष्टि से बहुत अच्छा, और मेहनत करके बिजनेस करके तब जाके जातक सुख भोगेगा। चंद्रमा शत्रु राशि के अंदर अष्टमेश होके कैसे रिजल्ट देंगे, तो बड़े भाई बहनों से लड़ाई झगड़ा होगा, लाभ में और इच्छा पूर्ति में जातक को दिक्कत देखी गई है, पहले पुत्र पुत्री का योग बनाते हैं और संतान को लेके भी जातक को दिक्कत होगी। बारहवें भाव के अंदर चंद्रमा यहां पे भी विपरीत राजयोग बनाते हैं, कैसा, इनिशियल स्टेज में बहुत खर्चा होगा, जातक को पैसों को लेके हमेशा दिक्कत रहेगी, खर्चा ज्यादा आमदनी कम, शत्रु का भय, ऋण लेना, कोर्ट कचहरी में जाना, इस तरह के योग, पर फिर संघर्ष करके तमाम सुख प्राप्त करने वाला होगा। 6, 8, 12 में अगर लग्नेश मजबूत है तो चंद्रमा को अच्छे फल मिलेंगे। तो दोस्तों मैंने बताया आपको दोनों लग्न के अंदर चंद्रमा कैसा रिजल्ट देंगे। दूसरा फल देखने के लिए आप अंश देख लीजिए, अगर चंद्रमा के 0 से 3, 4 अंश हुआ यानी बालावस्था में हुए या 28, 29, 30 मृतावस्था में हुए तो चंद्रमा न्यूट्रल हो जाएंगे, फिर वो ना अच्छे फल देंगे ना वो बुरे फल देंगे, और जो भी उनके फल होंगे चंद्रमा की महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में ही आपको प्राप्त होंगे। तो दोस्तों आज मैंने आपको चंद्रदेव के बारे में बताया, 12 भाव में वो कैसा रिजल्ट देंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो धन्यवाद।